YouTube चैनल क्रेडिबल इंडिया और मैं हूं नफीसा खान आपके साथ अपने नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मैं आई हूं, आज एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो कि सुनहरी मस्जिद। तो अब की बार कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की सोचा है, कुछ ना कुछ अलग करने का सोचा है। हमेशा करती हूँ, अब जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं एक वो पार्क वाले टैग से निकलना चाहती हूँ, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दिल से दुआ करें कि मेरे पास वो पार्क वाला टैग हट जाए। एंड मैं आज आपको ये मस्जिद के बारे में बताने वाली हूँ, इसके बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपने कभी सुनी नहीं होंगी। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। एंड साथ में मेरा एक दूसरा चैनल है क्रेडिबल जायका, जिसमें मैं फूड ब्लॉग बनाती हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके टैप करें और उस वीडियो को भी देखें। बाकी मैं आई बटन में लगा दूँगी तो वो भी आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। और चलते हैं बाकी इस मस्जिद के बारे में बताती हूँ, ये मस्जिद कितनी पुरानी है, कब बनी, क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो चलते हैं अंदर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मस्जिद है कितनी खूबसूरत, और इसका ये मेन गेट है, जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे बनी हुई है कुछ नक्काशी जो कि उस टाइम के कारीगर बनाया करते थे और काफ़ी उम्दा इस पे कारीगरी की हुई है। और सामने ये सीढ़ियाँ हैं और अब हम चलते हैं ऊपर। और लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम मस्जिद में कभी भी जाते हैं तो अपने चप्पल जूते उतार के जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी ने अपने जूते वगैरह चप्पल यहाँ उतारे हुए हैं, इसीलिए हम मस्जिद में प्रवेश करते हैं। बिना चप्पल पहने पे हम लोग नहीं जा सकते, चप्पल उतार के ही हम जाते हैं। और आप देख सकते हैं सामने से हमें नज़र आ रही हैं ये तीन गुंबद जो कि तांबे की कोटिंग से हुई भी हैं और इसी वजह से इस मस्जिद का नाम सुनहरी मस्जिद पड़ा है और काफ़ी खूबसूरत काफ़ी शांत मस्जिद। इस मस्जिद का जो निर्माण है वो नवाब अहमद शाह की बीवी कुदसिया बेगम ने 1791 में ये मस्जिद को तामील करवाया था। और ये जो मस्जिद है एक ऊँचे चबूतरे पे बनी हुई है, इसके ऊपर तीन गुंबद है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे तीन गुंबद इसके ऊपर बनी हुई है और उनके ऊपर तांबे की प्लेटेड हुई भी है, जिसकी वजह से ही इस मस्जिद को सुनहरी मस्जिद बोला जाता है और सुनहरी मस्जिद के नाम से ही ये मस्जिद जानी जाती है। ये जो मस्जिद है जैसे कि मैंने बताया कि इसके ऊपर तीन गुंबद बनी हुई है और ये मस्जिद नियर बाय चांदनी चौक, लाल किला एंड जामा मस्जिद के पास में पड़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है, अगर हम लाल किला विज़िट करने आते हैं तो अब लाल किला की जो कि एंट्री है वो गेट नंबर 2 से होती है और वहीं से निकलते हुए बिल्कुल उसके टच में पड़ती है ये सुनहरी मस्जिद। में इस मस्जिद की कुछ हालत खस्ता होने लगी थी तो जो हमारे आखिरी शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने इस मस्जिद को दोबारा रेनोवेट करवाया था और इसे काफ़ी अच्छे से। फाइनली मैंने आपको ये मस्जिद दिखा दी और इस मस्जिद के बारे में भी आपको बताया और आप पीछे से आवाज़ भी सुन रहे होंगे, अज़ान हो रही है, नमाज़ का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सब नमाज़ पढ़ने आने शुरू हो गए हैं। बाकी इस मस्जिद का इतिहास मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी मस्जिद है, बहुत शांति है, बहुत ज़्यादा मुझे तो ये पसंद आई मस्जिद। और
बाकी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, एंड साथ में बेल प्रेस ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आती रहूं। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है घर वापस जाने का और आपके लिए इस जगह को और दूसरे और भी प्लेसेस की वीडियो बनाने का, तो फिर तैयारी करती हूँ दूसरी वीडियो की और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह।